सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन वेलकम बैक गाइस। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। महादेव आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज। ओला बुकिंग करते करते परेशान हो गए। एंड मोमेंट पे हमें मिला ये ऑटो। जैसे तैसे करके इन्होंने हमें स्टेशन पहुँचा तो दिया, बट अभी सिर्फ हमारे पास 10 to 15 minutes थे हमारी ट्रेन को आने में। तो भैया जैसे भी हुआ सब लोगों ने भागना शुरू किया, और ये हमारे साथ अक्सर होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सीन को देख करके कि हमें कितना ज़्यादा लेट हो रहा था। मतलब रेलवे स्टेशन पर भी अगर आप कोई ड्रॉप करे ना तो सच में बड़ा ही ख़राब लगता है, बहुत बुरा लगता है। बट ऐसा लग रहा था कि अगर ये भैया नहीं मिलता तो हमारी ट्रेन छूट जाती। और ये हमारे साथ अक्सर होता है क्योंकि हमारे पास काम इतना ज़्यादा होता है, स्पेशली एंड मोमेंट पर इतने काम आ जाते हैं। और पिछले 2-3 बार से ना ये ओला वाले इतना धोखा दे रहे हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम से तो हमें ओला बुकिंग करनी तो हम 1 घंटा पहले ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एंड मोमेंट पर ये लोग बहुत परेशान करते हैं। जैसे तैसे करके हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए और हमारी ट्रेन भी फटाफट से आ गई। बहुत मजा आता है। कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी वाली जर्नी जो होती है ना वो भी और मजेदार होती है। तो ये लीजिए मोदी जी के वंदे भारत आके खड़ी हो गई। और भाई बच्चे बहुत खुश हुए कि हमें रेलवे स्टेशन पे ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग फटाफट पहुंचे, और ये मान के चलिए कि बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि वो नानी के घर जा रहे। मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर जाना होता है। हालांकि टाइम बहुत कम मिल पाता है, बट ठीक है जो भी है बहुत अच्छा लगता है। ये पहुंच गए मैं अपने घर, और मेरे पापा जी हमेशा की तरह वेलकम करने आए, और बहुत बहुत प्यारी फीलिंग होती है। इसके आगे का वीडियो बहुत मज़ेदार है दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी प्यारी सी भाभी को, और उनकी खुशी देखिएगा आप मिलने के बाद। लगता है राजा महाराजा वाला सफर करना आपको। फोटो में हिलना नहीं आता है, फोटो नहीं हो पाता है। पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, जब उन्हें कभी भी एंजॉय करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं और खुल के जीते हैं वो, और सबको जीने भी देते हैं। ये मोमेंट बहुत प्यारा होता है। घर जाने के बाद इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। ये आ गई मेरी प्यारी सी भाभी, और अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर नंद आती हैं या जो भी घर की होती हैं माननीय पूजनीय जो होती हैं, तो इस तरीके से करके उनके पैर धोए जाते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भाभी ये काम करे, बट उन्होंने कहा कि नहीं मुझे करना है, और बड़े प्रेम से वो पानी लेकर के आई थी। आज के टाइम में इतना सम्मान नहीं कहीं मिलता है, और ना ही ऐसी बहुएँ कहीं मिलेंगी। तो आई एम सो लक्की कि मेरी भाभी ऐसी है, और भगवान करे हर घर में ऐसी ही बहू आए ताकि हर घर प्यारा सा हो जाए। क्योंकि जो घर की बहू होती है बहुत मायने रखता है वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है। क्योंकि एक बहू जो होती है, कहते हैं ना घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है, तो ये एक्चुअली में है। और मेरी भाभी ने मेरे घर को स्वर्ग बनाया है, और मैं ही नहीं मेरी पूरी फैमिली, मेरा भाई, सब लोग बहुत लकी हैं जो इतनी प्यारी सी भाभी हमें मिली है। एक देवी का रूप है ये, और सच में मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और भगवान करे ऐसे ही ये प्यार हमेशा जीवन भर बना, और मेरी भाभी को ऐसी ही देवरानी मिले जो उनकी भी इतनी ही सेवा करे। तुम लोग बैठ के ऐसे सिखा दिया करो ऐसे ठीक है। नहीं हम भौजी से लगवाएंगे, भौजी तो लगेंगे पहले। तो भौजी कर दिया कर, तो भाभी का तो देखा हुआ है कल, तो तुम्हारी छुट्टी है। भौजी बोले में प्यार है, सेवा लड़े रेस्ट ले देखो ना पानी न दाना पैर को फोटो खींचो। अरे तो उसी में धो दो ना, दोनों धोती है। तो जैसा कि हमेशा जीजा लोगों को होता है कि एक साली होती तो बहुत अच्छा था, तो हमेशा मेरे पतिदेव भी यही बोलते थे कि भाई आपके मायके में जाओ ना तो पापा मम्मी लोग हैं उनसे ज़्यादा काम कराना अच्छा नहीं लगता है, वो लोग सेवा करते तो अच्छा नहीं लगता है, काश कि एक बहन होती है आपकी तो बहुत मज़ा आता। तो वो जो बहन की जगह थी ना वो मेरी भाभी ने कम्प्लीट कर दी है, और बहुत अच्छा लगता है। इस बार हम लोग गए तो बहुत खुशी हुई, मेरे पतिदेव भी बहुत खुश थे कि वहाँ पर कोई था आगे से आगे हर चीज़ खिलाने पिलाने वाला पूछने वाला। ओवरऑल यहाँ पर हमने बहुत सारी मस्ती की,
और उसके बाद हम लोगों ने खाने पीने के बाद बैठ गए शादी का एल्बम देखने, क्योंकि ये काम अभी तक हो ही नहीं पाया था। भाई की शादी में हम लोगों ने हर एक रिचुअल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, बहुत इंजॉय किया था, और हमारे घर के जो बड़े लोग हैं उन्होंने हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मेरे पापा का ये मानना होता है कि समय बदल रहा है, तो जो आप करना चाहते हो, जो आज के टाइम के हिसाब से अच्छा है वो कीजिए। तो इस हिसाब से हम लोगों ने खूब सारी मस्ती करी, शादी को खूब सारा इन्जॉय किया, और ओवरऑल बहुत बहुत मज़ा आई थी हमें शादी में। मतलब एक बहुत प्यारी सी मेमोरी है मेरे पास इस शादी की, तो बहुत सारी मस्ती जो थी हमारी एल्बम देख करके फिर से ताज़ा हो गई सारी यादें। हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया था, बहुत सारा एंजॉय किया था। तो ये सारा एल्बम देखने के बाद अब टाइम था भाई वहाँ से निकलने का, क्योंकि ये ट्रिप जो थी हमारी सिर्फ 2 दिन की थी, और 2 दिन कब कंप्लीट हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है। खैर जैसा भी था सब कुछ बहुत प्यारा था। उसके बाद भाभी के साथ हम लोग बाहर गए और हमने बहुत सारी मस्ती की। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताएं, और मेरी भाभी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट में बताना ना भूलें। तो आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से मिलते, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।